बंदे उस्ताद के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज हाउ टू एड द बैकग्राउंड इन योर वेब पेज बाय जस्ट यूजिंग CSS। ठीक है, हमने CSS का टैग यूज करके अपने वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड ऐड करना है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिंपल सा HTML का पेज बना लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने CSS के साथ इसको लिंक कर दिया है, ठीक है, जो हमने style.css नाम दिया है। अब मैं अपनी स्टाइल शीट के अंदर आऊँगा और मैं लिखता हूँ बॉडी, और इधर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, बिकॉज मैंने एक इमेज ऐड करना है तो हम बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे यहाँ पर। और मैं इस इमेज के लिए सबसे पहले URL का टैग यूज करूंगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज URL? ओके, सो URL मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है, ये हमारे पास जो इमेज है उसकी पोजीशन को लोकेट करता है। हम इस URL की ब्रैकेट के अंदर उस इमेज का जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है उसका पाथ और उसका जो एक्सटेंशन होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से वाटर का उठाना है, ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, यहाँ से water.jpg ये इसका URL है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और अपने CSS के अंदर URL के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जब मैं आकर यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास ये इमेज आ चुका है, बट इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिपीटेशन आई हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं दैट इज बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है, कि क्या बैकग्राउंड हमारे पास उसका जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं वो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इस पूरे के ऊपर इसको कवर नहीं कर रहा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज हम किस तरह देख सकते हैं, बैकग्राउंड साइज हम तीन तरीकों से देख सकते हैं, ऑटो, कंटेंट और कवर। ऑटो कंटेंट में इतना कोई फर्क नहीं होता, जो उसका ओरिजिनल है वही आपके पास डिस्प्ले होगा, उस पर आपके पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर कवर का टैग यूज करूँगा तो कवर से मेरे पास ये इस पूरे पेज को कवर कर लेगा लाइक दिस। अब ये देख सकते हैं आप किसने इस पूरे को कवर कर लिया, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हमने बैकग्राउंड जो साइज़ के अंदर कवर को यूज़ किया। आप इस कवर की जगह अपनी मर्जी का कोई भी पिक्स परसेंटेज देना चाहो, आप परसेंटेज दे सकते हो इमेज का 50% 60%, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना साइज़ देना चाहते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ मैं इधर आकर कुछ लिखता हूँ ताकि हमारे पास ये क्लियर हो जाए कि जो हमने किया है वो फ्रंट पे कुछ आ भी रहा है, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं कोई कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैं एक फॉर्म लिख देता हूं जी, फॉन्ट साइज ओके वेट ऑन क्लोज, इधर मैं लिख देता हूँ जी नेचर, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे और जब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर आपको नेचर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एक फिक्स बैकग्राउंड इमेज आपने CSS के जरिए लगा ली है। अब हम इसको चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसको जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको कलर व्हाइट, ठीक है, आप ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप CSS के जरिए इमेज के को कैसे लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ CSS के जरिए ही तीन चार चीज़ों को यूज़ करके एक बैकग्राउंड इमेज लगाया है। होप सो आपको उसकी समझ आई होगी। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।